वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी F02S का ये फ़ोन है। पीछे ये तीन कैमरे और ये फ्लैश लाइट आपको मिल जाएगी इस मॉडल में। और ये देखिए इस फ़ोन को हम रीसेट करेंगे, सब कुछ डिलीट करेंगे इस फ़ोन के अंदर से। तो सेटिंग के अंदर जाना है और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अकाउंट और बैकअप का, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए रीसेट वाला ये ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से सब कुछ डिलीट हो जाएगा, आपके फ़ोन में आपने जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये देखिए गूगल अकाउंट, सर्च सिस्टम, सेटिंग्स भी डिलीट हो जाएगा, डाउनलोड किया हुआ सब कुछ, फोटोज़, म्यूजिक, सब कुछ। ये देखिए रीसेट वाला ये ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए डिलीट ऑल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए सब कुछ डिलीट हो गया, एक ही ऑप्शन से सब कुछ डिलीट हो गया है फ़ोन के अंदर। और ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, सैमसंग गैलेक्सी F02S। ये देखिए बिल्कुल नया फ़ोन आप खरीद के लाए हो, ऐसे ही ये फ़ोन नया ही हो जाता है, क्योंकि जितना भी यूज़ किया हो सब कुछ डिलीट हो जाता है इस तरीके से। किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं वो फ़ोन, या फिर सेल करना चाहते हैं, तो पहले ऐसे ही सब कुछ डिलीट कर दीजिए जिससे सारा डेटा डिलीट हो जाए। ये देखिए फ़ोन ओपन हो रहा है, ये देखिए वेलकम योर, ये स्टार्ट का ये बटन यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखिए थोड़ा जूम बैक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टार्ट का बटन, बिल्कुल एकदम नया फ़ोन खरीद के लाए हो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन के अंदर अब पुराना कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ डिलीट हो चुका है। और ये देखिए थोड़ा सा ये सैमसंग का ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन सब कुछ, इसको क्लिक करेंगे। ये सब कंपनी वाले सेट करके ही देते हैं, इसको अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, नहीं तो अनटिक कर सकते हैं। लोकेशन अगर दिखाना चाहते हो तो ऑन रखें, अगर नहीं दिखाना चाहते तो उसको भी ऑफ कर दीजिए। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, अगर यहाँ पर वाईफाई ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है वाईफाई की। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये फ़ोन ओपन होने में 5 मिनट या 10 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि सब कुछ डिलीट होने के बाद फ़ोन अगर दूसरी बार ऑन होता है तो बहुत टाइम लेता है।
ये देखिए यहाँ पर कुछ कॉपी ऐप का ये ऑप्शन आ रहा है। अगर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो कॉपी कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर डोंट कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। इसके बाद ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पर भी बहुत टाइम लेगा 5-10 मिनट। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। मैं तो इसको स्किप करने वाला हूँ, तो चलो स्किप कर देता हूँ। इसको भी स्किप कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पिन पासवर्ड अगर एंटर करना चाहते हो तो एंटर कर सकते हैं। मैं तो इसको स्किप ही कर दूंगा क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, अगर आप ये सब कुछ यूज़ करना चाहते हो, गूगल ड्राइव ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो रख सकते हो। ये एप्लीकेशन है, मैं इसको अनटिक कर दूंगा, इसके बाद ओके कर देते हैं। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इसके बाद ये फ़ोन का अगला स्टेप खुल कर आएगा। ये देखिए यहाँ पर सैमसंग नोट, सैमसंग इंटरनेट कैलकुलेटर, वॉइस रिकॉर्डर, ये सब अगर यूज़ करना चाहते हो तो टिक रहने दे, इसके बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सैमसंग अकाउंट का ये ऑप्शन है, चलो इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है सैमसंग क्लाउड, गैलेक्सी थीम, इसको भी स्किप कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फिनिश हो गया है सब कुछ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, सिम सिलेक्ट करेंगे, अगर यूज़ करते हो तो सिम सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। और इसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है यहाँ पर कि आप फ़ोन के अंदर कुछ बाहर से कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फ़ोन बिना गारंटी वाला हो जाएगा, मतलब कि बेकार हो जाएगा। इसलिए फ़ोन को यूज़ करें तो सिर्फ कंप्लीट यूज़ कीजिए, अगर बाहर से सारा गूगल पर जाकर सब कुछ डाउनलोड ही करने के लिए लग जाओगे तो फ़ोन की मेमोरी सब कुछ बिगड़ भी सकता है। IMES चेंज नहीं कर सकते फ़ोन का, नहीं तो फ़ोन की सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये सब देखिए, अगर इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, मैं इसको सब को स्किप ही करता हूँ। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये देखिए जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइनल वाला ऑप्शन है, फिनिश ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब ये फिनिश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए,
फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए फ़ोन ओपन हो चुका है, बिल्कुल नया फ़ोन ख़रीदा हो ऐसा ही इसी तरीके से ये फ़ोन ओपन हुआ है। सब कुछ यहाँ से डिलीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इस फ़ोन के अंदर जो पुराना था। ये देखिए सब कुछ डिलीट हो चुका है। और ये देखिए जितनी भी थीम सब कुछ था सारा का सारा डाटा डिलीट हो चुका है। इसका डेटा बंद कर देते हैं क्योंकि हमें ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कुछ यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करना चाहते तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए कॉल भी सब कुछ डिलीट हो चुका है। ये देखिए सब कुछ डिलीट हो चुका है। अगर सिम इसके अंदर एंटर करोगे तो सिम कार्ड के जो नंबर होते हैं फ़ोन यूज़ करते जो नंबर वो रहेंगे, बाकी का सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सिम कार्ड के अंदर जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो ही रहते हैं क्योंकि वो सिम कार्ड की मेमोरी होती है। ये देखिए सब कुछ डिलीट हो चुका है, फाइल मैनेजर सब कुछ। ये देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ डिलीट हो गया है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है।